हाई टेंशन तार की चपेट में आए एलईडी वाहन के कर्मी एक झुलसा एक की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ रोहन सोनकर। इस वक्त की खबर, गोंडा लखनऊ हाईवे के SCPM नर्सिंग कॉलेज के करीब हुई घटना। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुई घटना। एलईडी वाहन कर्मी मृतक सुरेश पुत्र बाबू उन्नाव के कादिल नगर का है रहने वाला। वहीं हम आपको बता दें कि झुलसा धीरेन्द्र प्रताप सिंह का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्ति सूचना प्रसारण मंत्रालय की एलईडी वाहन पर थे कार्यरत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या नाम है आपका? मेरा मोतीलाल। पूरी घटना बताइए, क्या हुआ है? सुबह मॉर्निंग 6:30 बजे दोनों लोग, दोनों गाड़ियों के ड्राइवर, कौन सी गाड़ी थी, कहाँ, किस विभाग की गाड़ी आप चलाते? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, गाड़ी है एलईडी वैन, इसी पे सरकार की योजनाओं का वीडियो चलते हैं। तो ये लोग मॉर्निंग में गाड़ी के ऊपर चढ़े, ऊपर से लाइन गुजर रही थी 11,000 की, तो ये लोग अनजाने में देख नहीं पाए और टच हो गए लाइन से। एक लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और इनको भर्ती किया है, तो नॉर्मल है कि फिलहाल। ये घटना कहाँ पर हुई? रोड पर हुई, फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा, लखनऊ रोड। गोंडा से वैभव वर्मा की रिपोर्ट।